अलहमदुल्ला जी, फैसलाबाद जिहड़ा ना असीं पहुंच गए हैं और बेगम साहब जिहड़ा बनवांदी भी है मिठाई बाजी मिसबा वास्ते और मिसबा वास्ते तो मिठाई लैके तो तकरीबन साढ़ा 10 से 15 मिनट का जिहड़ा ना रस्ता है। ये सिर्फ दो निवाले जिहड़े ना असीं लैणे ने 12 बज के ते मेरे ख्याल है 2-3 मिनट हो गए ने और तकरीबन असीं 12:30 बजे पहुंचना ना भाजी। हाँ, 12:30 से पहले पहुंचना है। पहले जाके टिकट लेनी है। हाँ अभी मतलब ये बस ये ना खाने की देर है और अभी निकल जाना हमने जी। अल्हम्दुलिल्लाह असी निकल पे हैं जी और दुआ करो कि सफर जड़ा ना आसान हो और खैरी सलामती जड़ा ना असी अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच जाइए। शादी तो जा रहे हैं और अज मेहंदी है इंशाल्लाह थोड़े नाल मेहंदी भी जड़ी है ना वो थोड़े शेयर करांगे तो बस दुआ करो कि अल्लाह ताला खैरी सलामती ले जाए और खैरी सलामती ले भी आवे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम, परवरदिगार दी रहमतां बरकतां ते नेमतां दे नाल अज दी वीडियो दा आगाज़ करने हैं जी। तुहानू ढोल दी आवाज़ जिहड़ी है ना वो आंदी भी होएगी। मेहंदी दा समां जिहड़ा ना जी वो हो रहा ते प्राइवेसी दा ख्याल रखदे होए मैं पूरा विजुअल तो तुहानू नहीं विखावांगा लेकिन जदों गुंडे छुट्टे होणगे ना उदों जिहड़ा ना मैं तुहानू विखावांगा। फैजा दे कम वेखो जी, फैजा जिहड़ा ना अलमारी दे विच वड़ के बैठी हुई है ते इंज लगदी भी जिवें कोई गुड्डी जिहड़ी है ना वो विच जुड़ी हुई है। इधर आ गल सुन मेरी, थले आ जा फैजा बीबी। हेलो फैजा, फैजा खैर जी, सुबह सुबह तकरीबन जरा ना उठ गए है लेकिन उसके बाद फिर मसरूफियत बन गई थोड़ी जी और दोबारा जरा ना थोड़े कॉन्टैक्ट नहीं कर सके तो हूँ मैं आया वहाँ इतने हमाम से थोड़ी जी मतलब थोड़ी जी कह रहा हूँ तो थोड़े बाल कटवाने से छोटे कटवाने काफ़ी ज़्यादा बड़े ने, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तंग भी बड़ा करते हैं। और दूसरे नंबर से शेव वगैरह करवानी है। वलीमे का टाइम जरा ना वो भी होगा तकरीबन 2 बजे खाने का टाइम है और 1 बज गया वा तकरीबन तो मैं क्या भी चलो जरा ना लेट हो जाती है 2 बजे का टाइम है तकरीबन 3-4 जड़े ना वो बज जाने तो इस वजह तो मैं क्या भी उसके पहले जरा ना मैं हम कटिंग वगैरह करवा लेना करवा के तो उसके बाद फिर जाकर ना के कपड़े पाऊंगा क्योंकि अजकल गर्मियां इन्ना तो अज माशाल्लाह धुप भी ज़्यादा निकली हुई है और अगर जल्दी कपड़े पा लिए जाना तो फिर वो जल्दी खराब भी हो जाते हैं क्योंकि गर्मी पसीना और पिंड थान से मतलब हर टाइम बिजली का ना होना भी इशू होंगे कदों बत्ती होंगी है कदों नहीं होंगी इस वजह तो फिर बंदे ना वो बहना खलोना हर जगह पर पैदा जल्दी खराब हो जाते हैं कपड़े से मैं जरा टाइम दी टाइम ही जरा कपड़े शपड़े पा के अपना रोटी शोटी खावे उस तो बाद फिर खराब भी हो जाए कपड़े तो खैर है क्योंकि जो तो बंदा हाल ही बैठा होंगे तो बाकी जिन्हें भी लोग बैठे उन्होंने बराबर जरा बंदा अच्छा लगता उन्होंने बराबर बैठा जी वेख रहे होने पिछले बरात भी जी भी आँदी पी है बरात भी थोड़ा दिखावे जो उ जाके बैठेगी तो मैं जरा जरा ना कलर कलर लवाई है थोड़ी जी मैं बाल शाल जड़े ना थोड़े काले हो जाए तो हाल भी जड़ा ना बन गया होगा हाल का विजिट भी थोड़े ना करवाने और खाना शाना भी जड़ा ना मेरे ख्याल है पक गया होगा तकरीबन क्योंकि 2 बजे का बरात का टाइम से 2 बजे जो बरात भी आ गई है तो खाना जारी गल है बरात में उन्होंने देना थोड़ा इंतजार करवा के देंगे क्योंकि साढ़े पिंड थावान से ही सिस्टम चलता खाना जड़ा ना वो लेट हो जाता बाकी सारिया चीज़ा जी भावें हाल जड़ा ना जी तैयार हो आके विजिट करवाना थोड़ी देर बाद सिर्फ है मैं 5-10 मिनट 15 मिनट लगन गए तैयार होने के तैयार होकर ना आके विजिट करवा तैयार होकर ना जी असं हम जा रहे हैं हाल वाली साइड से बरात जी है ना वो आके बह गई हुई है और असी तैयार हो गए बच्चे वाले तैयार होते इस वजह तो हाले तक वीडियो आए नहीं हैं
ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਾਲ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਅਲੀ ਬਣ ਜਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਿਸਟਰ ਲਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਹਾਲ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। काफ़ी ज़्यादा तादाद कुर्सियां जड़िया ने लगिया हुई लेकिन उसके बावजूद भी जड़िया अगलिया हो गई ने फिल हूँ इन्हों मेरे ख्याल है कि होर इंतजाम जो कर ऐसा जी है ना जो मेरे लादी भी है खैरी। हाँ जी पैसे का दे क्या करना है पैसों को? तो ये आपने क्या लगाया हुआ है आंखों पे? मेकअप। बेटा मैंने आपको कितनी बार मना किया? तो अभी आपकी जितनी कौन सा लगाते हैं ऐसे मेकअप बेटा? हमने भी पहले जी किया वो भी तो लगाया हुआ है। भी मेरे दीदी है वो उसने भी तो लगाया हुआ है। अच्छा आपकी कजन ने भी लगाया हुआ है वो भी आपकी जितनी है? हाँ। तो आपने भी इसलिए लगाया? हाँ। अच्छा बात नहीं है। ये चमकीली चमकीली सी बुरी लग रही है आपको? सारे चेहरे पे वो लगे हुए हैं। ये आपके दुपट्टे में है ना तो ये जहाँ पर लगती है वहाँ पर वो ये देखो। चलो ये लो। मैंने 200 कहा था। चलो 200 फिर बाद में करेंगे ना अभी ऐसा ऐसा धीरे धीरे पैसे लेना ना फिर वो सही रहेगा। 50 और 100 और रहता है। देखो जी बच्चों की जड़ी है ना रियाजी बड़ी टाइट हो गई है। 50 नू दिता कहें हले 1 50 100 वाला जड़ा ना होर रहा वो भी मैं हले लेना तेरे को। चलो जी ठीक है बच्चों वास्ते कमा रहे हैं और शादी के मौके पर या कोई इस तरह का मौका हो फंक्शन हो फिर तो खर्चा बिल्कुल खुला देना चाहिए क्योंकि बच्चे जड़े ना वो दूसरे बच्चे अगर कोई चीज़ खाते पे होवन ना तो फिर बच्चे जड़े ना मुतासर होंगे ने वेखते वेखते तो इस वजह से फिर जड़ा ना खर्चा वगैरह खुला देना चाहिए। पहले असं बैठे हुए हैं पिछे ओ सारा चेक करो ना पिछे सारा एरिया जड़ा ना हूँ असं इधर बिल्कुल बहरली साइड से आ गया इधर एक तो साया भी है हवादार भी मतलब एरिया हवा भी इतने ज़्यादा लगती पी है तो एक जड़ी है ना थोड़ी जी टेंशन भी है भी सारे तो एंड वाला जड़ा ना टेबल है वेखो हूँ शुरू इधरों होंगे है या लास्ट इधर होंगी है। खाना जड़ा ना जी आना स्टार्ट हो गया रोटी आ गई है गुड़ वाले चावल ने मिठे चावल बड़े मज़ेदार ने खा रहा वा तो हाले तीकर सानू जड़ा ना होर कोई चीज़ नहीं मिली बहरहाल दे रहे ने वैसे आस्ता आस्ता टेबलों पर ला रहे हैं जिमें पहुंचेगी उमें फिर जड़ा ना खाते रहेंगे तो फिलहाल इंजॉय जड़ा करने जी है हाले गुड़ वाले चावल कोल्ड ड्रिंक भी जड़ी है ना वो भी आ गई है जी। डिशा जड़ी ना जी लगनी स्टार्ट हो गई ने और अगे अगे जड़ा ना इस तरह तरतीब ना ला के लैके आ रहे ने बंदे ते ऐसा ऐसा जड़ा ना साढ़े तीकर पहुंच गए इतने आ जा साढ़े कोल बंदे जड़े ना जी तकरीबन काफी ज्यादा इंतजार है चैन और अल्हम्दुलिल्लाह डिश जड़ी है ना वो पहुंच गई है अल्हम्दुलिल्लाह बड़े प्यार सुकून मोहब्बत नाल जड़ा ना जी खाना जड़ा ना तनावल किया जाता है पहले वलीमे खाने हैं लेकिन बड़ी ना बजनस पै जाती है तो इस टेबल से काफ़ी देर का मैं जड़ा ना एको ही गल करता पाया कि भाई आप बैठे हैं तो बड़े धमल नाल खाना बाकी टेबलों की भी मैं तुम्हें सिचुएशन विखावगा जो खा के उठन गए लोग खा हाल जड़ा ना खाली करते पे ने इस तो बाद जड़ा है
लेडीज की मतलब शिफ्ट जी है ना वो लगनी है, सारा हाल जरा ना खाली होता पाया और अगला समान जरा ना चुकते पे ने और दोबारा नए सिरे तू जरा ना सफाई वगैरह करके तो फिर नए सिरे तू जरा ना लान गए हम इतने न्योंदरा लेंदे पे ने और इतने जरा ना न्योंदरा जरा ना वो जमा करवाने तो उस तो बाद फिर उधर घर निकल जावे फैजा फैजू वे चावल खाने के रोटी रोटी अच्छा चुंडी की दुले आज सूट की दुले है जुके दाए आंटी के लिए ठीक है नौ पांच आंटी के लिए जेडी जेडी है ना जी हुण खाना खांदियां पीए ने मैं हुण एक वीडियो अपलोड करनी है मैं वीडियो अपलोड करांगा इत्थे के नेटवर्क भी बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है अगर नेटवर्क मैनूं अच्छा मिलदा ते उत्थे खलो करना वरना मैनूं शहर वाली साइड ते जाना पैना ते वीडियो अपलोड करनी और मैं तकरीबन 6:30 बजे तो पहले पहले पहुँचानी है कोशिश करनी है कि वीडियो 6:30 बजे तो पहले पहुँच जाए वीडियो अपलोड करद्या करद्या ना मैनूं शाम हो गई है वलीमा भी जिहड़ा है ना तकरीबन सारा हो गया कंप्लीट मतलब लेडीज वगैरह भी खा के जिहड़ियां ना वो भी जा चुकियां ने बरात की वापसी जी है ना वो भी होंगी भी रुखती मतलब है जी है ना दुल्हन की शाम भी हो गई है सूरज भी जरा बिल्कुल गरूब हो गया तो मैं भी हूँ घर चलना वा काफ़ी देर हो गई इतने खलो खलो के थक गया दुल्हन की रुखती हो रही है और दुल्हन को दरबार शरीफ से सलामी वास्ते लैके आए हैं दुल्हा और दुल्हन दोवें जरा इस दरबार से सलामी देंगे और इस पिंड की रस्म है रिवाज है कि इस दरबार से सलामी जड़ी है ना वो जरूर होंगी है चाहे कोई बरात इतों जा रहा हो फिर कोई बरात आई हो प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए ना मैं थोड़ा तो उस तरह की वीडियो तो नहीं बना के दिखा सकिया जिस तरह की शादियां विवाहों से रस्मों रिवाज सारिया जड़िया ना मनाईया जांदिया ने और उस तरह ही थानू दिखांदा लेकिन इतने मैं अपने चैनल से बहुत ज़्यादा एहतियात करना वा कि किसी भी किस्म का कोई भी मतलब है ना गैर इखलाकी जेडे कि दूसरे लोग ना चाहते होवन उन्हां दी कोई भी पिक्चर जी है ना चैनल पर नहीं आनी चाहिए खास तौर पर फीमेल दी मेल दा ते एडा मसला नहीं होंदा फीमेल दा बहुत ज्यादा इशू होंदा ते मेरी कोशिश होंदी है कि किसी भी फीमेल दा मतलब है ना बगैर इजाजत तू उहदा फोटो जिहड़ा है ना वह नहीं आना चाहिए तो रिस्म रिवाज के मुताबिक हुण होएगा इस तरह कि सलामी दे के ना ते उत्थों फिर डोली च बिठा के और फिर इत्थे आके गड्डी जिहड़ी है ना वह खड़ी हुई है आके तुसीं चैक कर सकते हो गड्डियां खड़ियां ने इत्थे जिहड़ा ना दुल्हे वाली गड्डी दे विच दुल्हन नूं जिहड़ा ना बिठा के ते उहनां नूं मतलब रुखसत किया जाएगा और वह फिर अपने मतलब अपने ही घर हो गया ना मतलब अज तू जो निकाह हो गया तो फिर उहदा वह घर हो गया जिथे वह अज रुखसत होके अपने मापे के घरों रुखसत होके तो उधर जा रही है जी रुखसत वास्ते तैयार हो गई है जी और रुखसती जी है ना वो हो रही है अज साडी रवानगी है इतों अगे खानपुर जाना लेकिन पहला स्टाप साडा फैसलाबाद है फैसलाबाद तो फिर मुल्तान मुल्तान तू असी उतरना कोई नहीं फिलहाल मुल्तान तू बाजी रुबीना और खुरम भाई नू नाल लवांगे और उतों फिर अगे खानपुर तुहानू रस्ता समझा दिता लेकिन बाकी हुण तुहानू ब्लॉग विच सब कुछ जिहड़ा ना नाल नाल विखाई जावांगे बेगम सभा और ऐजा फैजा जी है ना ये तैयार हो गई है ऐजा ते बिलाल जड़े ना वो असी नाल नहीं लेके जाते पे क्योंकि उन्हां दा सफर भी बहुत ज्यादा है ट्रेन का सफर है पहली दफा उन्होंने करना नाले वैसे भी फिर इन्ना ज्यादा बच्चों नाल थोड़ा जा दिक्कत महसूस होएगी इस वजह तो फिर असी ये फैसला किया कि फैजा सिर्फ जी है ना ये साडे नाल जावेगी बाकी दोवें वड्डे बच्चे जड़े ना वो इत्थे नानकियां दे रहणगे नाले वैसे दो दिन नानकियां नूं खपाणगे तो पता लगेगा नानकियां नूं के जड़े ना दो त्रे ते दो त्रियां जड़े आवन ते फिर की जड़े ना हिसाब किताब लगदा हां जी हां भी ओ कहनी है इस ते है मेरा ते बेगम साहिबा भी जड़े ना फिलहाल आरजी टेंपरेरी तैयार हो गए ने क्योंकि फैसलाबाद तू अगे शायद फिर खानपुर ट्रेन दा सफर है
टिकटा जड़िया भी नॉन ए सी मिली ने ए सी दिया नहीं मिली तो इस वजह तू भी फिर गट्टा मिट्टी जड़ा ना ट्रेन च काफी होंगे तो कपड़े खराब हो जाने तो इस वजह तू फिर जड़ा ना इतों पाए घर तो सिर्फ वरना हो गया जी नाई वाला अड्डा क्रॉस किया मतलब ना शॉर्टकट रस्ता जड़ा ना अभी इस्तेमाल करते पे बीचों रस्ता जड़ा ना जाता तो सा होर सवारी है जी उन्होंने इतने लाना अभी इस वजह तू रस्ता इस्तेमाल किया पिछले स्टाप से जड़ा ना उतारिया तो हम अभी अगर सिंगल हो गए मतलब सिंगल तो मुराद है कि पहले ट्रिपल से हम डबल हो गए आप तकरीबन एक घंटे के अंदर अंदर जड़ा ना इंशाला मैं फजले खुदा फैसलाबाद पहुंच जाना और एक बजे साड़ी टिकट है ट्रेन की सब तो पहले अभी जावे भाजी मिसबा को हो के तो फिर अभी अगे जावे रक्षा पकड़ के ट्रेन कहना है हाँ जी वो इंशाल्लाह अगले ब्लॉग के बीच जाना तो शेयर करेंगे कि अभी जा कितने घूम रहे हैं अलहमदुल्ला जी फैसलाबाद जड़ा ना अभी पहुंच गए और बेगम साहब जरा बनवादी भी है मिठाई भाजी मिसबा वास्ते और मिसबा वास्ते तो मिठाई लैके तो तकरीबन साढ़ा 10 to 15 मिनट का जरा ना रस्ता है और उस तो बाद अभी उत्थे पहुंच जाना फिर अगे जाना ना ट्रेन वास्ते निकलना उन्होंने हम फोन आया कि जल्दी पहुंचो लेट होंगे पे मैं कम आया फाइनली जरा ना जी असी भाजी मिसबा को पहुंच गए हैं और बाइक जी ना इतने रखा और फिर अगे जरा ना असी जावे भाजी मिसबा बिल्कुल रेडी ने और असी भी हूँ पहुंच गए हैं तो आते सार ही साढ़े वास्ते खाना जड़ा ना वो पहले ही बने पे सी मतलब तैयार से क्योंकि रस्ते रबता हो रहा सा पता सी इन्हों पहुंचन का हूँ ये सिर्फ दो निवाले जड़े ना असी लैने ने 12 बज के ते मेरे ख्याल है 2-3 मिनट हो गए ने और तकरीबन असी 12:30 बजे पहुंचना ना भाजी 12:30 से पहले पहुंचना हाँ अभी मतलब ये बस ये ना खाने की देर है और अभी निकल जाना हमने तो हूँ इतों असी निकलोंगे ना तो अगला व्लॉग साडा जिहड़ा है ना स्टेशन तो स्टार्ट हो जाएगा और उस व्लॉग के अंदर अभी तुम दसांगे कि असं कि जा रहे हैं तो इस वजह तो यह व्लॉग जिहड़ा है ना इतने खत्म करते पे मिलने तुम्हें अगले व्लॉग के अंदर उदों तक सफदर हुसैन दी पूरी फैमिली दी इजाजत अपना बहुत सारा ख्याल रखना दुआवां याद रखना पांडा बन बन प्यार अल्लाह हाफिज़।